आज बीजी ऑक्टोबर एटले महात्मा गांधी नो जन्मदिवस। महात्मा गांधी नो जन्म 2 ऑक्टोबर 1869 ना रोज थयो हतो। महात्मा गांधी नु पूरु नाम मोहनदास करमचंद गांधी हतुं। तेमना पिता नु नाम करमचंद, माता नु नाम पुतलीबाई अने तेमनी पत्नी नु नाम कस्तूरबा हतुं। अंग्रेजो सामेनी सत्याग्रहनी छावणी दरमियान महात्मा गांधीए 17 जून 1917 साबरमती आश्रमनी स्थापना करी हती। तो चालो आजे आपणे साबरमती आश्रमनी मुलाकात लेवा जईए। वैष्णव जन तो दीने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ગાંધી આશ્રમના હૃદયકુંજ માં ગાઈડ છું અને આશ્રમ વિશે અને ગાંધીજી વિશે અમે બધાને માહિતી આપીએ છીએ। તો આ નિવાસ સ્થાન રહ્યું ગાંધીજીનું, એનું નામ છે હૃદયકુંજ। હૃદયકુંજ આ નામ આપ્યું કાકા સાહેબ કાલેલકરે। ગાંધીજી 21 વર્ષ દક્ષિણ આફ્રિકા રહ્યા પછી હંમેશ માટે 1915 ભારત પાછા આવી ગયા હતા। तो हजी एक आश्रम है अमदावाद में गांधीजी जेनु नाम है कोचरब आश्रम। ये अँ 4 माइल दूर है। 1917 में एज सत्याग्रह आश्रम अँ शिफ्ट थी गयु, केम के त्या प्लेगनी बीमारी फाटी निकली थी। तो गांधीजी त्यारे जवानु थयु तू चंपारण सत्याग्रह मोतिहारी बिहार। पाछा आव्या 1918-1930 सुधी आज बापू निवास स्थान। आ गांधीजी मीटिंग रूम गांधीजी मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, सी एफ एंड्रयूस पोलार्ड बधा साथे चर्चा विचारना अने आंदोलनोनी तैयारीओ अहींयाथी थती। तो आ सौथी पहेलो चरखो जे गांधीजीए चलाव्यो ए आ छे, राइटिंग डेस्क छे। तो आ बधी ओरिजिनल वस्तु जे बापू यूज़ करता था ए छे। एमना पीए महादेवभाई देसाई ए अहींया बेसा हता, महादेवभाई देसाई। तो आ एक बहुज महत्वनो समय हतो ज्यारे गांधीजी अहींया रह्या, आपणा देशनी आज़ादीनी लड़त नो बहुज अगत्यनो समय हतो ज्यारे 1918-1930 सुधी बापू अहींया। रेटिंग्समां लखेला आश्रम रूल्स छे, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य संग्रह चरित्रम, बधाने नियम पालन करवानो अनुयायीओने जरूरी हतुं। सौथी महत्वनी दांडी मार्च, दांडी यात्रा गांधीजीए अहींयाथी निकाळेली 241 माइल चाल्या 25 दिवस सुधी 80 लोको साथे अहींयाथी चालेला। 12 मार्च 1930 त्यारे प्रतिज्ञा लीधी कि ज्यां सुधी मारो देश आज़ाद नहीं थाय हूँ आ आश्रममां पग नहीं मूकूँ। तो 1930 पछी गांधीजी अहींया क्यारे भी नथी आव्या, अहींयाथी गया पछी सेवाग्राम आश्रम वर्धा जता रह्या। गांधीजीना भाई कस्तूरबा 13 वर्षनी उमरे एमना लग्न थया अने 4 दीकरा गांधीजीना हता, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। बापू बानो रूम आ हतो अने ए वखते तो लाइट पण नहोती अने कई फर्निचर पण यूज नहोता करता। तो आ कस्तूरबाजी बधा ज आंदोलनोमां गांधीजी साथे एमने सहयोग आप्यो। अने आगा खान पैलेस पुणेमां 1944 एमनुं अवसान थयुं। रसोडું સામૂહિક જીવન એને આશ્રમ લાઈફ કહેવાતું હતું। આ અમુક ઓરિજિનલ વસ્તુઓ છે, જેમ કે અસ્થિકોમાં આમાં જે બાપુની અસ્થિ આવી એમનું વિસર્જન થયું સાબરમતી નદીમાં, એક એ વખતનો ચરખો અને વોકિંગ સ્ટિક છે। અને આ છે અમુક વસ્તુઓ જે ડેલી લાઈફમાં ગાંધીજી યુઝ કરતા હતા, જેમ કે યરવડા જેલમાં હતા ત્યારે આવો પોટ એમને યુઝ કર્યો, એમની સ્ટોન ડીશ, વુડન ડીશ, એમના લાકડાના ખડાઉ કહેવાય, 3 માંદ્રાનું રમકડું છે, અને આ વસ્તુઓ અમુક ડેલી લાઈફમાં યુઝ કરતા હતા એ છે। ખાનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપું છું કેવી રીતે, આ છે રૂ, રૂમાંથી કઈ રીતે દોરો બને। બાપુ સ્વાવલંબન માટે ચરખાનો એમને પ્રચાર કર્યો અને ઘરે ઘરે બધાને રોજગારી મળી। રૂમમાંથી દોરો બનતો જાય,
અને આની આવી આખી બનાવીને હેન્ડલૂમમાં લાગે ત્યારે કપડું બને ખાદીનું। બાળકો હવે આપણે આશ્રમની મુલાકાતે આવેલા પ્રવાસીઓને સાથે થોડી ચર્ચા કરીશું। આપકો યહ આશ્રમ મેં આપકે કેસા લગા? યે અચ્છા લગા, અચ્છા અચ્છા લગા। हम उड़ीसा से हैं, साफ दिल्ली से हैं, सर मध्य प्रदेश भोपाल से हैं। सबको आके गांधी जी का आश्रम देखने का इच्छुक थे तो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हम लोग किताब में पढ़ते हैं कि कैसा कैसा किया, बट यहाँ पे हमें पिक्टोरियल व्यू मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। देखते हैं पता चलता है कि कैसे कैसे क्या हुआ, कब कब क्या क्या हुआ, कौन कौन सा मिलते। नॉर्मली क्या है, किताब में हम कवर नहीं कर पाते हैं पूरा, लेकिन यहाँ पे क्या एक जस्ट एक देखने से ग्राउंड लगाने से पता हमें चलता है कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कब कौन आया, किसने क्या किया, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, सबको विजिट करना चाहिए।